तो मोबाइल गेम्स खेलना आखिर किसे पसंद नहीं है, चाहे वो बंदा हो जिसके पास 2GB रैम वाला फोन हो या फिर वो बंदा जिसके पास लो एंड पीसी हो। अब अगर हम गेमिंग की बात कर रहे तो एज कम्पेयर टू पीसी गेमर्स मोबाइल गेमिंग की कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ी है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है हाई ग्राफिक्स गेम के ऊपर फोकस नहीं करने वाले, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी गेम्स की जिन्हें खेलकर आप इंजॉय कर सकते हो। और ये लिस्ट मेरी खुद पर्सनल फेवरेट गेम्स की है, तो कुछ इनमें से आपको पसंद आएगी, कुछ नहीं आएंगी। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको इनमें से कौन सी गेम पसंद है और कौन सी नहीं है। सो गाइज, नंबर वन पर जो गेम है ये ऑलरेडी मैंने खुद 4 बार खत्म कर चुकी है। बिलीव मी, मैं एकदम सही में सच बोल रहा हूँ। और अगर अभी भी मेरा मन करे तो मैं इसे और भी 4 बार खत्म कर सकता हूँ। ये गेम ही ऐसी है। इस गेम का नाम है सॉडिगो। अब इस गेम का प्लॉट कुछ ऐसा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जागता है अपने ड्रीम से और उसे ड्रीम में पता चलता है कि उसका जो मास्टर है वो खतरे में है एंड उसे बचाने के लिए वो अपने एडवेंचर पर निकल जाता है। लेकिन कुछ आगे जाकर उसे पता चलता है कि उसका जो मास्टर है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है एंड इस वर्ल्ड पर जो है पूरा ईविल लोगों का कब्जा हो चुका है और ऐसे ही बहुत ईविल एंटिटीज इस वर्ल्ड में घूम रहे हैं एंड ऐसे ही एक एक करके हमें सारे एंटिटीज को खत्म कर पहुंचना है इस गेम के मेन विलन के पास, जो कि काफी शॉकिंग विलन है। उसे देखकर तो मैं खुद हैरान हो गया था। बाकी आपको पता चलेगा गेम खेलकर। एंड हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की ओर। अब नेक्स्ट जो गेम है उसे सुनकर पोकेमॉन फैंस अपनी कुर्सी से उछल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ग्राफिक्स प्यारे लोगों को ये गेम पसंद ना आए, लेकिन ये गेम सही में बहुत एंटरटेनिंग है एंड इस गेम का नाम है पोकेमॉन फायर रेड। अब इससे पहले बोलो कि ये प्ले स्टोर पे नहीं मिलती, मैं बता रहा हूँ ये एमुलेटर में चल सकती है। इसके लिए आपको एक एमुलेटर लगेगा एंड उसके बाद आप इस गेम को फुली एंजॉय कर सकते हो। अब ये गेम मैं पहले बहुत बार खेल चुका हूँ, इसे भी मैंने 2-3 बार ऑलमोस्ट खत्म करा हुआ है एंड जहां तक मुझे पता है इस गेम का सेव डेटा फाइल जो है मेरे पास अभी तक पड़ा है एंड अगर वो मुझे मिल गया तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आप उसे भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। एंड मुझे नहीं लगता इस गेम की स्टोरी के बारे में आपको कुछ जानना होगा, पोकेमॉन फैंस ऑलरेडी सब जानते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट नंबर पर जो गेम आता है ये अपनी स्टोरी लाइन और ग्राफिक्स दोनों ही मामले में बहुत अच्छा और इस गेम का नाम है लियोस फॉर्च्यून, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लियो एक बहुत ही फेमस इंजीनियर था जिसका जो पूरा फॉर्च्यून है वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है एंड उसी को ढूंढते हुए एडवेंचर्स करते हुए पजल्स सॉल्व करते हुए हम इस गेम को कंप्लीट करते हैं एंड उसे वो फॉर्च्यून मिल रही या नहीं ये आपको पता चलेगा गेम खेलकर। बाकी मुझे तो ये गेम काफी अच्छी लगी और आप खेलकर मुझे बताना कि आपको ये गेम कैसी लगी। एंड देन गाइस, द नेक्स्ट गेम इज बुली एंड हाँ वो स्कूल वाला बुली। अब इस गेम को बनाया अपने रॉकस्टार वालों ने, जी हाँ वो GTA 5। एंड इस गेम में हम खेलते हैं अपने मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जिमी हॉपकिंस एंड उसका मेन काम है दूसरे को बुली करना, अपनी क्लास के अंदर कुछ मिशंस करना जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग। हमें इस गेम में मज़ा आता है दूसरे स्टूडेंट से पंगा लेने में एंड इस गेम का यही एक मोटिव है। मैं ज़रूर कहूँगा कि इस गेम को भी आपको एक बार ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। अब ये गेम जो है प्ले स्टोर पर पेड है लेकिन मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा तेज। एंड गाइज, लास्ट पे जो गेम आती है इस गेम की स्टोरी सबसे बेस्ट है। मैं सही में इसको खेल चुको एंड ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी के साथ आती है। इस गेम का नाम है द वॉकिंग डेड एंड ये एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पे बेस्ड गेम है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर ली अभी फिलहाल में अरेस्ट हुआ था एंड उसी के बाद जो है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स या शुरू हो चुका है। अब आगे जाकर वो बच जाता है एक यंग लड़की जिसका नाम है सेलेमेंटाइन एंड जैसे तैसे वो दोनों एक होटल में सिक्योरली रहने लग जाते हैं। लेकिन तभी बाकी सर्वाइवर्स और उससे याद आते हैं कि हमारे पास तो खाना ही नहीं है एंड वो निकल जाते हैं अपने एडवेंचर पे। हाँ, एज यूजुअल वही ज़ॉम्बीज वाली कहानी। एंड आगे क्या होता है ये आपको पता चलेगा गेम खेलकर। एंड गाइस, ये मोबाइल के लिए वन ऑफ द बेस्ट गेम्स है जिन्हें मैंने खुद ट्राई कर रखा है एंड अगर आपको और भी कोई गेम पसंद आता है आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं अगले एपिसोड के अंदर उन्हें भी कंसिडर कर सकता हूँ। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वीडियो देख जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए कमेंट डाउन। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।